नमस्कार, मैं प्रिया बौद्ध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। कस्बा गरोठा में चल रहे इंडियन चैलेंज कप वर्ष 2019 का शनिवार को फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मुकाबला गरोठा की टीम ने जीता। फाइनल मैच का उद्घाटन गरोठा प्रभार निरीक्षक एवं अधिवक्ता अयूब सिद्दीकी के मध्य एक ओवर का मैच हुआ, जो बहुत रोमांचक रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे उप जिलाधिकारी वीके त्रिपाठी ने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे खेलों का आयोजनों से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाओं में निखार आता है। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना जरूरी है। खेलों को खिलाड़ियों को अपनी लगन की भावना से खेलना होगा। कार्यक्रम के आयोजक हाफिज कारी वसीम रजा ने कहा कि खिलाड़ियों को ईर्ष्या की भावना का त्याग करके खेलना चाहिए, तभी वे अपने गाँव एवं देश का नाम रोशन कर सकेंगे। फाइनल मैच गरोठा एवं दुर्खुरु की टीम के मध्य खेला गया। इसमें दुर्खुरु की टीम ने टॉस जीतकर गरोठा की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गरोठा की टीम ने 16 ओवर में 99 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में दुर्खुरु की टीम ने भी 12 ओवर में 64 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। गरोठा की टीम ने मैच जीत लिया। कार्यक्रम के आयोजक हाफिज कारी वसीम रजा ने विजेता टीम को शील्ड एवं नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वार संघ अध्यक्ष शशिकांत अग्रवाल, पूर्व वार संघ अध्यक्ष रामचरण कुशवा, राम सेवक पाठक, अयूब सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार वालादीन राठौर, आनंद वाल्मीकि, शाहरुख सिमरदा, जुनैद अहमद, वसीम पठान, इरशाद रायन, जागेश्वर कुशवा, गुरफाम अहमद, मोनू सोनी, जुद्दीन अहमद, नूर अली, रफीक मंसूरी, अरविंद देवी शरण, अभिषेक चौहान, सुरेश कुशवा, विनय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। टूर्नामेंट का संचालन आनंद वाल्मीकि ने किया। गरोठा समथर विधानसभा से नसीम खान के साथ कैमरामैन फहीम राइन की खास रिपोर्ट।